तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन के साथ आया हूं जो कि आपसे किसी भी इंटरव्यू के दौरान जनरली पूछ ही लिया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड बॉयलर ट्यूब फेलियर, यानी कि बॉयलर ट्यूब फेलियर होने का क्या क्या कारण है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इकोनोमाइजर ट्यूब फेलियर। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो चलिए अभी हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं कि बॉयलर ट्यूब फेलियर होने का क्या क्या पॉसिबल कॉज है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि बॉयलर ट्यूब फेलियर होने का क्या क्या कारण होता है। तो बॉयलर ट्यूब फेलियर होने का सबसे पहला जो कारण हम लोग लिख सकते हैं वो होता है, वो है हमारा एजिंग। एजिंग का मतलब होता है कि ये कितना समय के लिए बनाया हुआ है ट्यूब, और उस समय तक अगर चल गया तो ये क्या होगा, हमारा फेलियर हो सकता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपने एज में जाके फेलियर हो गया, लेकिन एक अगर कारण की बात करें, पॉसिबल कॉज की बात करें, तो इसका एक कॉज क्या है, एजिंग है, मतलब कि अपने समय पे जाके ये फेलियर हो जाता है। दूसरा, अगर समय से पहले फेलियर होता है तो इसका कारण क्या क्या होगा, तो इसका कारण होगा कि अगर मान लीजिए कि हमारा ये जो बॉयलर ट्यूब जिस मटेरियल से बना है उसमें कोई अगर डिफेक्ट है, यानी कि मटेरियल में कोई भी डिफेक्ट है, तो भी हमारा ये एजिंग से पहले ही ये फेलियर हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा कॉज में आप लिख सकते हैं इसका कि एनी डिफेक्ट्स इन मटेरियल। ठीक है, एनी डिफेक्ट्स इन मटेरियल। और यहां पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो देखिए जनरली हम लोग जानते हैं कि बॉयलर ट्यूब हमारा किसकी वजह से फेलियर होता है, तो ओवरहीटिंग की वजह से फेलियर होता है। हमारा बॉयलर ट्यूब फेलियर किसकी वजह से होता है, तो ओवरहीटिंग की वजह से मैक्सिमम टाइम में हमें फेलियर देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो ओवरहीटिंग होता है ये दो टाइप का है। पहला होता है हमारा कौन सा, तो शॉर्ट टर्म ओवरहीटिंग, और दूसरा होता है हमारा लॉन्ग टर्म ओवरहीटिंग। शॉर्ट टर्म ओवरहीटिंग का मतलब क्या होता है, तो शॉर्ट टर्म जैसे कि इसके नाम से ही पता चला है कि बहुत कम समय में ये ओवरहीट हो जाए और फेलियर हो जाए। तो बहुत कम समय में जो ट्यूब फेलियर होता है उसको हम लोग शॉर्ट टर्म ओवरहीटिंग बोलते हैं, और इस टाइप का जो ट्यूब फेलियर होता है उसका जो लीप बनता है, यानी कि जब फटता है तो उसका जो लीप रहता है ना, उसका लीप कैसा रहता है, तो पतला रहता है, यानी कि थिन लीप होता है। वही अगर लॉन्ग टर्म जैसे कि इसके नाम से ही पता चला है, लंबे समय बाद, यानी कि हमारा जो फ्यूल है धीरे धीरे एक जगह पे एक्युमुलेट हो रहा है, और वहां पे क्या होगा, धीरे धीरे हीट क्या है वहां पे कंटेंट हो रहा है उस ट्यूब के पास, तो उस ट्यूब को धीरे धीरे क्या करेगा, ओवरहीट करेगा, और ओवरहीट करके उसको फाड़ देगा। जब भी अगर मटेरियल ओवरहीट हो रहा है तो वो अगर अपने यील्ड पॉइंट से ऊपर तक जाएगा तो वो क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है। इस टाइप का जो फेलियर देखने को मिलता है उसका जो लीप जो बनता है वो कैसा होता है, तो ठीक होता है। तो देखिए, शॉर्ट टर्म ओवरहीटिंग, लॉन्ग टर्म ओवरहीटिंग के लिए हम लोग सेपरेट डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग इतना समझ रहे हैं कि हमारा ओवरहीटिंग की वजह से भी हमारा ट्यूब फेलियर होता है। ठीक है, यानी कि हमारा ये जो ट्यूब है ये अगर ओवरहीट हो जाए, यानी कि जितना इसका डिजाइन टेंपरेचर है उस डिजाइन टेंपरेचर से बियॉन्ड चला जाए तो ये क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाता है। ठीक है, और यहां पे क्या कॉज हो सकता है, तो चौथा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं इंटरनल स्केलिंग। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, स्केलिंग के लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्केलिंग में होता क्या है कि इस ट्यूब के इनसाइड में हमारा ट्यूब के इनसाइड पे हमारा एक इम्प्यूटीज का लेयर जम जाता है। हमारा यहाँ पे क्या होता है, इम्प्यूटीज का लेयर जम जाता है, और ये मेनली क्या होता है, पानी के अंदर जो हमारा साल्ट रहता है, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम का सल्फेट सिलिकेट नाइट्रेट क्लोराइड कार्बोनेट बाइकार्बोनेट होता है, वो यहाँ पे अगर डिपोजिशन हो जाता है तो एक यहाँ पे लेयर बना देता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारा ट्यूब के अंदर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा कैसे भी स्केलिंग हो गया है। ठीक है, तो इस जगह पे हमारा हीट उतना ही प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे भी हमारा हीट उतना ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो हीट है वो यहाँ पे ये जो हमारा स्केलिंग हो गया ये क्या करता है, एक तरह से इंसुलेटर का काम करता है, यानी कि इंसुलेट कर देता है और ये हीट को ट्रांसफर नहीं कर देता, मतलब कि एक थर्मल इंसुलेशन का काम करता है और ये हीट को ट्रांसफर नहीं कर देता। तो यहाँ पे जो भी पानी रहेगा उसको हीट ट्रांसफर नहीं करेगा, तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो इसका जो ये ब्लैक पार्ट है यानी कि जो ट्यूब है वो क्या होगा, ओवरहीट होगा।
यहां पे क्या है, ट्यूब क्या कर रहा है, इसको वाटर को हीट ट्रांसफर कर दे रहा है, लेकिन इस कंडीशन में हमारा हीट को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, तो इस जगह पे हमारा फेलियर हो जाएगा, यानी कि जहां पे स्केलिंग होता है वहां पे हमारा हीट ट्रांसफर ना होने की वजह से फेलियर हो जाता है। तो एक ये रीजन हो गया, यानी कि इंटरनल स्केलिंग। और हमारा इंटरनल साइड में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम हो सकता है कि कोरोजन, इंटरनल कोरोजन। तो यहां पे मैं इंटरनल कोरोजन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि एक्सटर्नल साइड से भी कोरोजन होता है। तो अभी हम लोग इंटरनल के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो वाटर इस ट्यूब के अंदर फ्लो कर रहा है उसका अगर पीएच कम हो, यानी कि 7 से कम हो जाए, तो ये क्या करेगा, इसको कोरोड कर देगा, यानी कि एसिडिक नेचर हो जाएगा। तो क्या करेगा, इस ट्यूब का, ट्यूब के सरफेस को क्या करेगा, खाएगा, यानी कि ईटिंग का वे करेगा, यानी कि उसका मटेरियल को क्या करेगा, डीके ऑफ मटेरियल जिसको बोलते हैं, उस मटेरियल को खाएगा। अगर हमारा स्केलिंग होता है तो क्या होगा, उस मटेरियल के ऊपर एक लेयर का डिपोजिशन होता है, और कोरोजन जो होता है उस मटेरियल का क्या करेगा, एक लेयर को कम कर देगा। तो इस तरह से हमारा जो कोरोजन होता है वो मेनली अगर पानी के अंदर अगर कहीं से क्लोराइड मौजूद हो जाए, तो क्लोराइड क्या करता है, H2O के साथ रिएक्शन करके हमारा HCl का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि एसिडिक नेचर अगर कहीं से भी होता है तो ये क्या करेगा, मटेरियल को खाएगा। तो हमारा ये कोरोजन हो गया। तो देखिए, और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकता है वाटर साइड से, तो देखिए, अगर इस पानी के अंदर हमारा कॉस्टिक ज्यादा हो यानी कि NaOH ज्यादा हो, तो इस समय हमारा क्या होता है, कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट होता है, यानी कि अगर यहाँ पे जो साल्ट का डिपोजिशन हुआ है, अगर यहाँ पे हमारा कॉस्टिक का कहीं से डिपोजिशन हो गया, यानी कि NaOH का डिपोजिशन हो गया, तो ये क्या करता है, इस मटेरियल को ब्रिटल कर देता है। यानी कि अगर अभी डक्टाइल प्रॉपर्टी है इस मटेरियल का, तो जैसे NaOH डिपोजिशन होगा तो उसको क्या कर देगा, ब्रिटलनेस में कन्वर्ट कर देगा। और ब्रिटल का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा शीशा क्या है, बहुत ज्यादा ब्रिटल है, उसका सिंपल एग्जांपल है, वो बहुत जल्दी टूट जाता है, ठीक है। तो ये फेलियर हो जाएगा, अगर कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट होगा तो इसको फेलियर कर सकता है। तो वैसे ही हमारा क्या होता है, एक हमारा कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट होता है, या हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट। यानी कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन का भी एक्यूमुलेशन होगा, हाइड्रोजन गैस का भी एक्यूमुलेशन होगा, तो वो भी क्या करता है, मटेरियल को एम्ब्रिटल कर देता है, यानी कि ब्रिटलनेस में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा फेलियर हो जाता है। तो ये कुछ इंटरनल साइड में हमारा कॉज हो गया, ठीक है। कोरोजन में हमारा क्या हो सकता है, अगर कहीं से कॉपर आ जाए तो कॉपर भी क्या कर देता है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, या हमारा कहीं से क्लोराइड आ जाए तो क्लोराइड भी क्या करता है, इसको कोरोड कर देगा। तो अब हम लोग चलते हैं आउटसाइड, यानी कि ट्यूब के आउटसाइड में क्या क्या प्रॉब्लम होगा। तो आउटसाइड में हमारा पहला जो प्रॉब्लम होता है वो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्यूब के आउटसाइड से हमारा क्या फ्लो करता है, तो फ्लू गैस फ्लो करता है, फ्लू गैस। और फ्लू गैस में हमारा क्या रहता है, एस पार्टिकल रहता है, और एस पार्टिकल क्या होता है, बहुत ही एब्रेसिव होता है। तो इसके ऊपर से अगर एस फ्लो करेगा तो इसके लेयर को क्या करेगा, इरोड करेगा, यानी कि इरोजन ड्यू टू एस एंड फ्लू गैस, फ्लू गैस या एस की वजह से हमारा पहला तो इरोजन करेगा। इरोजन का मतलब क्या हो गया कि इसका ऊपर से लेयर को धीरे धीरे कम करेगा, इरोड मतलब कि घिसना, उसको जब एब्रेसिव पार्टिकल अगर इसको टच करके निकलते रहेगा तो आप देखे होंगे कि हमारा ट्यूब जो है ऊपर से पूरा चिकना होते जाता है, यानी कि वो और एकदम घिसते जाता है, उसका लेयर धीरे धीरे कम होते जाता है। और यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे कोरोजन की बात किए थे, तो अब हम लोग जो आउटसाइड फ्लू गैस है ना, इसमें भी कुछ ऐसे कंस्टिट्यूएंट होता है जो कि इस यहाँ पे एसिडिक नेचर प्रोड्यूस करता है और हमारा जो ट्यूब है वो कोरोड हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि फ्लू गैस साइड यानी कि फायर साइड हमारा कोरोजन कैसे होता है। तो एक हमारा रीजन हो सकता है फायर साइड कोरोजन, इसको आप बोल सकते हैं इंटरनल कोरोजन या वाटर साइड कोरोजन, आप बोल सकते हैं वाटर साइड कोरोजन। तो फायर साइड कोरोजन में क्या क्या होता है, तो देखिए फायर साइड कोरोजन में ये दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारा कोल्ड एंड कोरोजन, और दूसरा होता है हमारा हॉट एंड कोरोजन। तो कोल्ड एंड का मतलब क्या हो गया कि ठंडा, जहां पे भी हमारा फ्लू गैस का टेम्परेचर लोअर होगा उसको हम लोग कोल्ड एंड बोलेंगे। जैसे कि हमारा इकोनोमाइजर APH, इधर क्या होता है हमारा कोल्ड होता है, या ESP में हमारा ठंडा, उधर फ्लू गैस का टेम्परेचर रहता है, मतलब लोअर टेम्परेचर रहता है। हॉट एंड अगर बात करेंगे तो जहां पे हम लोग फ्यूल का कम्बशन करवाते हैं, यानी कि फर्नेस के अंदर, यानी कि बॉयलर के अंदर हमारा क्या रहता है, हायर टेम्परेचर रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉट एंड।
तो ये कोल्ड एंड में कैसे कोरोजन होता है या हॉट एंड में कैसे कोरोजन होता है? तो देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो फ्लू गैस हमारा फ्लू करता है उसके अंदर हमारा जो सल्फर का क्वांटिटी है वो क्या करता है, SO3 जो सल्फर क्या होता है, पहले सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, और उसके बाद जो फ्लू गैस के अंदर जो वेपर है, वाटर वेपर H2O है, उसके साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, यानी कि H2SO4 बना लेता है। और ये जो H2SO4 होता है इसका एक ड्यू पॉइंट होता है, मतलब कि ऐसा पॉइंट जहां पे आके ये मेल्ट हो जाए, और जहां पे भी मेल्ट होगा वो ट्यूब के ऊपर चिपक जाता है, जिसकी वजह से उसको क्या करेगा, ये एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या करेगा, उसको कोरोड करेगा। सिमिलरली हॉट एंड में क्या होता है, यानी कि फर्नेस साइड में हमारा कैसे कोरोजन कर सकता है? तो देखिए, हमारा फर्नेस साइड में अगर हम, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग बेड मटेरियल यूज करते हैं उसमें भी हमारा कहीं सोडियम अवेलेबल होता है, सोडियम का कुछ क्वांटिटी होता है, या हमारा कुछ वैनेडियम का भी कुछ परसेंटेज होता है। तो सोडियम और वैनेडियम क्या करता है कि सोडियम ऑक्साइड बना लेता है या वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड बनाता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना है, तो इसका 550 यानी कि 550 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट हो जाता है। और जहां पे भी ये मेल्ट होगा इसका एक्चुअली क्वांटिटी बहुत कम होता है, ठीक है, तो इसका फेलियर ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलता है इसकी वजह से, बट एक कॉज है कि इसकी वजह से भी हमारा फेलियर होता है, ठीक है। तो ये जहां पे भी मेल्ट होगा वहां चिपक जाएगा उस ट्यूब पे, और उस ट्यूब पे चिपकेगा तो ये क्या है, हमारा एसिडिक नेचर है, तो उसको क्या करेगा, मतलब कि कोरोजन कर देगा। तो एक आप फायर साइड कोरोजन में हमारा कोल्ड एंड कोरोजन हो गया और दूसरा हमारा हॉट एंड कोरोजन हो गया। अब हमारा क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा फ्लू गैस यहां से आ रहा है, इसके आउटसाइड में फ्लू गैस मतलब कि ट्यूब के आउटसाइड में हम लोग का एस का डिपोजिशन हो जाता है। आप देखे होंगे कि हमारा ट्यूब के सरफेस के ऊपर हमारा क्या है, एस का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा एस का जो डिपोजिशन होता है, इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सूट ब्लोइंग करते हैं। सूट ब्लोइंग यहां से हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये जो सूट है वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है, जो एस पार्टिकल है वो रिमूव हो जाता है। तो अगर आप सूट ब्लोइंग करते हैं तो हमारा जो स्टीम है उसका एक डिजायर्ड प्रेशर रखते हैं, यानी कि 11 से 12 केजी, जितना भी डिजाइन है 12-13 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखते हैं। टेम्परेचर भी आप उसका 250 से 300 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। तो इतना हाई प्रेशर से, यानी 12 से 13 केजी प्रेशर से जब आप ट्यूब के ऊपर स्ट्राइक करवाएंगे इस डस्ट को रिमूव करने के लिए, तो मान लीजिए कि जहां पे डस्ट है वहां पे वो रिमूव कर दिया, लेकिन अगर कहीं पे डस्ट नहीं है वहां पे भी उतना प्रेशर से स्ट्राइक करेगा तो इस जगह पे क्या करेगा, इसको इरोड करेगा, मतलब कि स्टीम क्या करेगा, उसको इरोजन करेगा। तो एक आप और पॉइंट लिख सकते हैं, नाइन्थ पॉइंट कि इरोजन ड्यू टू सूट ब्लोइंग। सूट ब्लोइंग की वजह से भी हमारा इरोजन होता है। और यहाँ पे क्या पॉसिबल कॉज हो सकता है, तो देखिए, अगर हमारा ये जो ट्यूब है ये अनइवन एक्सपेंशन होगा, यानी कि थर्मली अनइवन एक्सपेंशन होगा, तो भी ये फेलियर होगा, यानी कि कहीं ज्यादा एक्सपेंड होगा तो मटेरियल ज्यादा एलोंगेट होगा, लेकिन कहीं अगर एक्सपेंशन कम होगा, यानी कि वहां पे हीट अगर कम मिल रहा है तो वहां पे कम एक्सपेंड होगा। जैसे कि आप यहीं पे देख लीजिए कि अगर हमारा यहाँ पे क्या है, स्केलिंग है, तो यहाँ पे ओवरहीट होगा ज्यादा, यानी कि ज्यादा इसको टेम्परेचर मिलेगा, तो ये क्या होगा, ज्यादा एक्सपेंड करेगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे स्केलिंग नहीं है, तो इस जगह पे ये क्या होगा, कम एक्सपेंड होगा, क्योंकि ये हीट को अच्छे से ट्रांसफर करते रहेगा, तो इस जगह पे हमारा एक्सपेंशन कम होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में भी हमारा ट्यूब क्या होता है, ऐसे एक्सपेंड हो रहा है, इधर ज्यादा हो रहा है, इधर कम हो रहा है, तो ये क्या करेगा, इंटरनल स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से ये फेलियर होता है। तो आप यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि अनइवन एक्सपेंशन, ठीक है। और यहां पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो देखिए, यहां पे एक और प्रॉब्लम होगा कि ये जो पानी इसके अंदर जो अवेलेबल है, यानी कि जो कूलिंग मीडिया अवेलेबल है, यहां पे वाटर भी हो सकता है, या हमारे सुपर हीटर की बात करें तो वहां पे स्टीम भी हो सकता है। तो अगर कूलिंग मीडिया की अनअवेलेबिलिटी हो, यानी कि इम्प्रॉपर वे से अगर कूलिंग मीडिया का यहां पे अवेलेबिलिटी हो, तो भी क्या होगा, फेलियर होगा। क्योंकि अगर इसके अंदर कूलिंग मीडिया है ही नहीं, तो आप यहां पे हीट दे रहे हैं, तो बहुत जल्दी हीट ट्रांसफर किसको करेगा, तो बहुत जल्दी स्टीम को ओवरहीट कर देगा, तो फेलियर होगा। यानी कि आप यहां पे लिख सकते हैं 11 नंबर पॉइंट कि इम्प्रॉपर कूलिंग मीडिया इन साइड ट्यूब, ठीक है। जैसे कि
अगर हम लोग वाटर की बात करें, जैसे कि हम लोग वाटर वाल की बात कर रहे हैं, तो वाटर वाल में हमारा इम्प्रॉपर वाटर का अवेलेबिलिटी कैसे हो सकता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा ब्लो डाउन में कोई पासिंग हो या हमारा जो कॉमन हेडर का ड्रेन में कोई पासिंग हो, तो उस समय हमारा वाटर का यहाँ पे डेफिशिएंसी होगा और फाइनली हमारा इस ट्यूब के अंदर वाटर की कमी होगा, जिसकी वजह से हमारा ओवर हीट होगा। अगर हम लोग सुपर हीटर के केस में देखें तो हम लोग का एक कंडीशन आता है कि अगर हमारा ड्रम का सेफ्टी वाल्व जल्दी पॉपअप कर जाए, मतलब कि लाइन सेफ्टी वाल्व से पहले ड्रम का सेफ्टी वाल्व पॉपअप करे, तो उस कंडीशन में हमारा सुपर हीटर में स्टीम का डिफिशियंसी हो जाता है, क्योंकि हमारा स्टीम क्या होता है, ड्रम जैसे सेफ्टी पॉपअप करेगा तो वहां से एस्केप हो जाता है, तो हमारा सुपर हीटर में कम अमाउंट में स्टीम आ रहा है। लेकिन अगर हीट की बात करें तो हीट अभी भी आपका उतना ही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसको बहुत जल्दी फेलियर ओवर हीट कर देता है और फेलियर हो जाता है। तो ये इसका अगर कूलिंग मीडिया अवेलेबल नहीं रहेगा तो भी हो जाता है। तो देखिए इंटरनल कोरोजन में हमारा और भी होता है, जैसे कि हमारा SSC स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग हो गया, या हमारा फटीक कोरोजन होता है, तो ये सब टॉपिक के लिए हम लोग सेपरेट डिस्कस करेंगे। जैसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म SSC FC जो होता है, मतलब कि फटीक कोरोजन क्या होता है, या हम लोग कोल्ड एंड हॉट एंड, इस सब के लिए हम लोग सेपरेट डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।